एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवाबी सेवैयाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपने सेवैयों की बहुत ज़्यादा डिज़र्ट ट्राई की होंगी, जैसे कि शीर कोरमा, सेवैयों का ज़रदा वगैरह आपने ट्राई किया होगा। आप एक बार ना इसको भी ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अंदर से क्रीमी और बाहर से ना बहुत क्रंची बन के तैयार होती है, तो आप इसे ना एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नवाबी सेवैयाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून बटर लिया है। आप बटर की जगह यहाँ घी भी ले सकते हैं, बट आप इसमें ना ऑयल का यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट ना अच्छा नहीं आता। अब यहाँ मैंने ली है 300 ग्राम सेवैयाँ, और सेवैयों को मैंने अच्छे से ना इनको छोटा छोटा तोड़ लिया है। अब आपको सबसे पहले इनको भूनना है, तो सेवैयों को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, आपको जब तक इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। और ये मैं हाई फ्लेम पर ही इसको जो है भून रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनके ये तैयार होती हैं। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने 1/2 कप इसमें चीनी ऐड की है, जिसको मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था। और 1 कप ऐड किया है मैंने इसमें मिल्क पाउडर। अब आपको बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है, यानी कि हमारी सेवैयों के साथ मिल्क पाउडर और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और हमें इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो लगातार चलाते हुए हमें इसको भून लेना है, ताकि अच्छे से क्रंची हो जाए। तो देखिए जी, ये बहुत ही अच्छे से भून चुकी हैं और इसमें ना एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, और आप देख सकते हैं इसका ना कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें गैस को बंद कर देना है। तो चलिए जी, गैस को मैंने यहाँ बंद कर दिया है। अब आपको ले लेनी है एक ट्रे। आप जिसमें भी अपना डिज़र्ट बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले लीजिए। अब आपको सेवैयों को 2 हिस्से में डिवाइड कर लेना है, यानी कि आधा जो आपकी सेवैयाँ हैं वो आपको इसमें अरेंज कर देनी है, और आधी अभी आप अपना पैन में रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको सेट करना है। तो हम इस तरह से इसको प्रेस कर करके सेट कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसे बनाने में, और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। तो चलिए जी, बहुत अच्छे सेट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप जो है वो मिल्क लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है, 4 टेबल स्पून आपको यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लेना है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना स्किप ये अच्छा बनता है कस्टर्ड पाउडर के साथ। और 1/2 कप मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर। अब आपको ना बहुत ही अच्छे से ना इसको मिक्स करना है, यानी कि इसमें ना एक लम्स नहीं होना चाहिए। लम्स फ्री आपको यहाँ पे बनाकर रेडी करना है। और 1 टेबल स्पून इसमें आपको ऐड कर देना है एसेंस, यानी कि वनीला एसेंस हम इसमें ऐड कर देंगे, और बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क, यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। आप जो यूज़ करते हैं रेगुलर वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक बॉईल आने का वेट करना है, यानी कि जब आपके मिल्क में ना एक बॉईल आ जाए तब आपको इसमें ऐड कर देना है कस्टर्ड, और जो आपने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी किया था ना वो आपको जो है ना इसमें पोर कर देना है। और एक साथ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है, और इसमें जब तक ये एक गाढ़ा क्रीमी टेक्सचर भी नहीं आ जाए आपको तब तक बनाना है। और आपको इसमें शुगर भी ऐड करनी है, लेकिन वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ मैंने 6 to 7 स्पून मैंने यहाँ पर जो है वो शुगर ऐड की है, और देखिए जब तक आपकी शुगर इसमें अच्छे से ना घुल जाए आपको बस तब तक बनाना है। तो ये बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए जी, अब हमें क्या करना है, जो हमने सेवैयों की लेयर लगा कर तैयार की थी उसके ऊपर से हमें इसको पोर कर देना है। तो हम यहाँ पे आधी क्रीम का ही यूज़ करेंगे, और आधी का हम जो है वो बाद में यूज़ करेंगे। और एक लेयर हम इसके ऊपर से फिर सेवैयों की लगा लेते हैं, जो हमने आधी रोकी थी, और थोड़ी सी जो है ना हम इसमें से रोक लेंगे बाद में ऊपर से गार्निश करने के लिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी सेवैयाँ कैसी बनी। तो चलिए जी, हमने यहाँ पे जो है वो क्रीम की भी अच्छे से लेयर कर ली थी सेकंड टाइम। अब हमें क्या करना है, इसमें जो बाकी सेवैयाँ बची थी ना उसे इस तरह से अच्छे से ऊपर जो है डेकोरेट कर देना है। और यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट का भी यूज़ करेंगे, जैसे कि बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटे हुए काजू। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो है वो ड्राई फ्रूट जो है इसमें शामिल कर सकती हैं, उनकी क्वान्टिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकती हैं।
जब आप इसे इस तरह से सजाती हैं, डेकोरेट करती हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है। जिस टाइम ये आपकी डाइनिंग टेबल पे जाती है ना, तो ये बहुत ही अच्छी और माउथ वाटरिंग दिखती है। अब हमें इसे रख देना है फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे ठंडा होने के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो चुका था और सेवइयाँ जो हैं हमारी अच्छे से सेट हो चुकी हैं और देखिए कितनी बढ़िया दिख रही हैं। मैं यहाँ पे ना आपको काट कर भी दिखाना चाहूँगी कि ये कितनी बढ़िया दिख रही हैं। देखिए कितना बढ़िया से ये हमारा बनके तैयार हुआ है, ऊपर से क्रंची और अंदर से ना क्रीमी, बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।